दोस्तों, सचिन वाजे की गिरफ्तारी से कई सारे राज खुलने वाले हैं। एनआईए को काफी सारे एविडेंसेस मनसुख हिरेन केस में मिले हैं। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार ये नहीं चाहती थी कि एनआईए के द्वारा सचिन वाजे की इंट्रोगेशन की जाए। सीएम उद्धव ठाकरे खुलकर सचिन वाजे के सपोर्ट में आए। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सचिन वाजे ओसामा बिन लादेन नहीं। उद्धव जी, आपको बताने की जरूरत नहीं थी, हमें पता है कि सचिन वाजे ओसामा बिन लादेन नहीं है। असली ओसामा बिन लादेन कौन है, इन सारे केसेस में उसी की तो जांच एनआईए कर रही है। सचिन वाजे को तो हमने अर्नब की गिरफ्तारी के बाद जाना। काफी लोगों के मन में एक सवाल है, क्या सुशांत केस को भी सचिन वाजे ने हैंडल किया था? 13 जून को क्या सुशांत के घर माउंट प्लैंक के बाहर सचिन वाजे को देखा गया था? लोगों के मन में ये सवाल इसीलिए है क्योंकि उनकी रीजॉइनिंग पुलिस डिपार्टमेंट में फर्स्ट वीक ऑफ जून में हुई है और उसके बाद कांड पे कांड होते जा रहे हैं, और वो भी छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े कांड। तो कौन है भाई असली ओसामा बिन लादेन, आप ही बता दीजिए, आपको तो पता होगा।